अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियो सिंध पुलिस एसपीयू कमांडो के प्रोसेस से मुतालिक है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आज लास्ट डे था तमाम कैंडिडेट्स के मेडिकल का, और आज लेडी कैंडिडेट का जो 15 फरवरी को मेडिकल था वो भी हो चुका है। दोस्तों आपको पता है कि ये जो तमाम मेडिकल था ये 9 से 10 दिन चला था, और इसके अंदर तमाम कैंडिडेट्स जो थे 1745 कैंडिडेट के साथ मुख्तलिफ टेस्ट लिए गए थे, जिसके अंदर हेपेटाइटिस बी सी शामिल है, HIV, इसके साथ साथ CBC, चेस्ट एक्सरे, ब्लड ग्रुप और यूरिन का टेस्ट भी शामिल है। दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर आप हमें ज़रा बता दें कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या है और हमें इन रिपोर्ट्स का कब पता चलेगा। दोस्तों जिस तरह आपको पता है कि ये लिस्ट आपके सामने है, ये टोटल 1745 कैंडिडेट्स की थी और आपको हर दिन 200 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। दोस्तों इसी तरह की एक और लिस्ट आने वाली है और उम्मीद है कि इसी लिस्ट को जो है वो यूज़ किया जाएगा। अब तमाम कैंडिडेट्स जो हैं दोस्तों वो कराची के अंदर साउथ के अंदर गार्डन पुलिस अस्पताल है, वहाँ पे तमाम कैंडिडेट्स को बुलाया जाना है। इसी लिस्ट उम्मीद है इसी लिस्ट वाइज बुलाया जाएगा। दोस्तों वहाँ पर आपकी ये जो तमाम 60 टेस्ट लिए गए हैं ये रिपोर्टें वहाँ पे पहुँची भी होंगी सील पैक। जब आप वहाँ पे जाएंगे दोस्तों तो वहाँ पर सबसे पहले वहाँ पे पुलिस अस्पताल वाले आपका आई टेस्ट लेंगे। दोस्तों आई टेस्ट के अंदर वो आपकी आई चेक करेंगे। अगर किसी कैंडिडेट की आई वीक भी होती है तो दोस्तों उसके अंदर कोई परेशानी की बात नहीं है, वो वहाँ पे आपको लिख देंगे कि आपको ग्लासेस की ज़रूरत है, और ग्लासेस की वजह से किसी को दोस्तों फेल नहीं किया जाता। अगर किसी ने ग्लासेस पहने भी हैं तो उसे भी कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों जब आप आगे जाएंगे एक एक कैंडिडेट वाइज, तो उसके बाद आपकी जो बॉडी का चेकअप किया जाएगा कि किसी को कोई इस तरह की इंजरी या कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है कि वो अनफिट हो। इसके बाद दोस्तों जब आप और आगे जाएंगे तो वहाँ पे ये आपकी तमाम 60 टेस्ट की रिपोर्ट सील पैक होंगी, जिसे डॉक्टर आपके सामने खोलेंगे। अगर किसी कैंडिडेट्स को हेपेटाइटिस बी सी या HIV निकल आता है तो दोस्तों उस कैंडिडेट को मेडिकल के अंदर फेल कर दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों सिंध पुलिस की पॉलिसी है कि हेपेटाइटिस बी सी या HIV वाले कैंडिडेट को वो भर्ती नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बीमारी फैलती है। अगर एक कैंडिडेट भर्ती होगा तो इसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट को ये मसला हो सकता है। दोस्तों जब पुलिस हॉस्पिटल में आपकी रिपोर्ट्स देखी जाएंगी, वो तमाम कैंडिडेट्स जिनकी जो है रिपोर्ट्स क्लियर होंगी उन तमाम कैंडिडेट को MS के सामने पेश किया जाएगा। दोस्तों MS वो ऑफिसर होते हैं जिनके साइन के बाद ही आप भर्ती होते हैं। तमाम कैंडिडेट की फाइल जो है वो MS ने साइन करनी है। 5-5 या 10-10 करके दोस्तों तमाम कैंडिडेट्स को MS के सामने पेश किया जाएगा और MS को बताया जाएगा कि इनका मेडिकल फिट है। MS साइन करेंगे, उसके बाद वो तमाम कैंडिडेट्स जो पास होंगे मेडिकल के अंदर उनका थंब लगवा लिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक, जिस तरह पहले आप PTS पे लगवाते हैं, और वो जो है उनको कहा जाएगा आप जाएं, अब आपका इंशाल्लाह अपॉइंटमेंट लेटर आएगा। लेकिन वो कैंडिडेट्स दोस्तों जिनका हेपेटाइटिस बी सी या फिर HIV निकल आएगा उनको वो बता देंगे कि आप अनफिट हैं और आप सिलेक्ट नहीं हुए। दोस्तों जिस तरह ये लिस्ट चलेगी इसी तरह उम्मीद यही है 6 से 8 दिन लगेंगे गार्डन हेडक्वार्टर के अंदर भी, जिस तरह SPU हेडक्वार्टर में लगे थे। उसके बाद दोस्तों वैसे तो ये होता था कि मेडिकल के बाद वेरिफिकेशन होती थी, लेकिन आपको पता है कि इस बार SPU वालों ने मेडिकल से पहले ही तमाम वेरिफिकेशन कर ली है। तो इंशाल्लाह दोस्तों जो लास्ट डे होगा गार्डन हेडक्वार्टर के अंदर मेडिकल का, उसके बाद एक हफ्ता या मैक्सिमम 10 दिन के अंदर इंशाल्लाह तमाम कैंडिडेट्स के जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएंगे। तो दोस्तों मैं इंशाल्लाह अपने चैनल के ज़रिए आपको बताता रहूँगा, जैसे ही गार्डन हेडक्वार्टर वाली लिस्ट भी आती है तो मैं अपने चैनल के ज़रिए दोस्तों आपको बताऊँगा। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को देखते रहें ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़ पता चलती रहे। दोस्तों मज़ीद मालूमात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।